दोस्तों कुल्लू ये देखे आप तो भाई अच्छा जाएगा। कैसी नींद आई भाई? नींद बिल्कुल गजब। कैसा फील हो रहा है? रात को तो बीमार वगैरह हो गया था सुनने में आई है। बीमार हो गया? अब तो ठीक होगा। और वो भी सो रहा है गुरमीत। चलो उसको उठा देता हूँ मैं, तो जाना भाई निकलना फिर। टाइम भाई 7:30 के आसपास हो रखा है। गुरमीत भाई, ओ गुरमीत भाई उठ ले भाई, सब उठ चुके हैं, तू रहता है जिंदाबाद न करें स्मोक डार्लिंग। तो दोस्तों यहाँ पर गुरमीत गाड़ी की चाबी अंदर ही रखकर भूल गया और गाड़ी लॉक हो चुकी है और अभी से खोलने का कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं कैसे खोलेंगे अभी से। और इस बाइक की वजह से लॉक ओपन हो गया है और इसकी वजह से बंद हुआ था। हजार बार समझाई थी भाई ये चीज की गाड़ी के अंदर चाबी मत छोड़ना। अरे भूल जाते कभी गलती से। लो भाई ये देखिए यहाँ से निकाल लिया, यहाँ से तो आया नहीं खुलना, फिर वहां से निकाल लिया। अब चाबी मत दे भाई किसी को भी। तो दोस्तों ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है और अभी लास्ट एक चाय ले रहे हैं और फिर निकल रहे हैं डायरेक्ट अपना, पहले मनाली रुकेंगे शायद और फिर स्पीति के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। बस एक चाय चाय पीते हैं और फिर निकल रहे हैं डायरेक्ट। और राजा गुरमीत से पूछेगा गाड़ी कैसे लॉक कर दी उसने, क्या होगा, क्या हुआ भाई? कुछ नहीं यार, मैं तो कपड़े लेने गया था, वो खिड़की आधी खुली थी मैं और चाबी अंदर ही थी गाड़ी की, मैं तब तक नेक्स्ट विंडो पे गया तब तक वो लॉक हो गई है, मैं क्या करूँ। तो फिर भाई चाबी तेरे को साथ रखनी थी ना, मेरे को ध्यान नहीं रहा, तेरे को पता होनी चाहिए भाई यार, मेरे हाथ में कपड़े थे यार, मेरे को ध्यान नहीं रहा। हाँ तेरे हाथ में कपड़े थे भाई, तेरे हाथ में भाई कुछ और भी होगा इसलिए ध्यान नहीं रहा होगा। कोई ना यार, कोई ना, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। चलो ठीक है अब चाय पी लेते हैं और फिर चलते हैं ना भाई। दोस्तों चेकआउट कर रहे हैं और भाई सर्विस बहुत अच्छी थी आप लोगों ने, अगली बार फिर आएंगे ठीक है भाई। डेडिकेशन गाड़ी के लिए अपनी शर्ट से शीशा साफ कर रहा है, डेडिकेशन। हाँ भाई अपना चल 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 तो अब भाई कुल्लू तो हो गया, अब मना अब निकलते हैं मनाली स्पीति के लिए, अटल टनल क्रॉस करनी है भाई आज का टारगेट है। देखो भाई पंकज भाई ने घुमा दी अपनी धनो, दोस्तों मैंने बताया था ना कि हमारी चाबी लोग हो गई थी अंदर, तो उसका काम करवा रहे अभी है कि आगे जाना है तो वहाँ पर क्या पता कैसे क्या रहेगा, कोई मैकेनिक मिले ना मिले तो यहीं पे करवा रहे हैं। ये जाता दोस्तों मनाली को रास्ता आते वक्त जाएंगे, स्पीति जाएंगे तो वहाँ आते वक्त चलेंगे वहाँ पे। ये देखिए दोस्तों पहाड़ और बादल मिले हुए बिल्कुल, व्यू तो है यार भाई तू यहीं पे सेटल हो जा, मैं हाँ सोच रहा हूँ, तो अपना वो उठा के यहाँ पे बिछाने लग जा। तो दोस्तों अटल टनल आ चुकी है और आप यहाँ फोटो वगैरह लेंगे बिल्कुल भेज दी जाएगी आपके पास, और वहाँ से एंट्री है अटल टनल की। तो अटल टनल के अंदर एंट्री कर चुके हैं दोस्तों हम, और यहाँ पे ना स्पीड लिमिट है 60, इससे ऊपर आप नहीं चला सकते और ना ही आप ओवरटेक कर सकते हैं, और यहाँ पे है ना पहाड़ों से पानी रिस के अंदर आ रहा है। आप देखिए ये रोड है ना गीला हो रखा बिल्कुल, मतलब है ना पूरी टनल में तो नहीं है, कुछ कुछ जगह पर है। टनल से एग्जिट कर रहे हैं दोस्तों आप, है ना टनल से एग्जिट होने के बाद है ना एक बार व्यू देखिएगा आप, मतलब है ना सब कुछ चेंज हो जाएगा, उस साइड के पहाड़ और इस साइड के पहाड़ों में ना बहुत अंतर आ जाएगा। हमने एग्जिट कर लिया और एग्जिट करने के बाद ये देखिए आप यहाँ पे ना भीड़ देखिए आप, कितने ज़्यादा भीड़ है दोस्तों। अटल टनल क्रॉस कर लिया और क्रॉस करने के बाद ये देखिए, अरे अपनी स्कॉर्पियो
ये देखिए, मतलब अटल टनल के उस पार और इस पार बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है। जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पर है ना पहाड़ पर है ना हरियाली है बहुत ज़्यादा, पेड़ पौधे, और यहाँ पर कुछ नहीं देखिए, कुछ भी नहीं है, ऐसे है थोड़ी बहुत ही घास, छोटी मोटी घास। तो दोस्तों ये तुम्हारे साथ फन हो गया। ये बोल रहे कि चार बजे ना गाड़ियों, 4 बजे बाद गाड़ियों को आगे नहीं जाने देते, गाड़ी हो या कोई भी कुछ भी हो, और हमें अभी 4-5, हमें आज रात यहीं रुकना पड़ेगा अटल टनल के पास में ही। सुबह कितना पता नहीं कैसे रुकेंगे, ना ही हमारे पास कुछ है और ना ही होटल वगैरह इतनी खास, तो गाड़ी में रुकना पड़ेगा रात यहीं पे, गाड़ी में गुजारनी पड़ेगी। दोस्तों हमारी आज की लोकेशन जहाँ पर हम रुकेंगे, ये देखिए पास में कितना ठंडा पानी बह रहा है, ऊपर से पिघल कर आ रहा है बर्फ का, ये देखिए ऊपर भी पहाड़, साइड पहाड़, सब जगह पहाड़ी पहाड़, मजा आ रहा है, एक नंबर सवाल आ रहा है भाई। ना तो यार भाव बहुत ज्यादा तेज है इसका, एक बार दिखा दे भाव, गिर जाऊंगा गाइस मैं इसमें भाई, बाय चांस इसमें गिर गया ना बचने का कोई सवाल ही नहीं है। दोस्तों हम इंजॉय कर रहे थे कि हमें कुछ भाई और मिल गए, ये राजस्थानी है बड़े भाई, ये बेचारे जिसकी साइड हो रही है तो पिछड़ा पड़ा, बोले साथ में इंजॉय करते हैं, तो अब इंजॉय करेंगे साथ में मिल गए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे नदी किनारे बैठा हूँ और नदी का आनंद ले रहा हूँ, सामने देखिए आप कितना अच्छा व्यू आ रहा है, मैं आपको एक बार व्यू दिखा देता हूँ, कमेंट करके बताना कि व्यू कैसा लग रहा है। ये देखिए दोस्तों व्यू देखिए, लोकेशन पर रुके हुए थे दोस्तों अभी तक, यहाँ पे फिलहाल कोई नहीं है, और ये यहाँ पे देखिए शायद ऐसे बना थे ना, इनमें ना मक्खियाँ कैद होती हैं, मधुमक्खियाँ शायद बनाने के लिए। फिलहाल हम ना जा रहे हैं एक पास में, शायद गांव बता रहे हैं वो है, देखते अगर वहाँ रहने सहने का हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर लास्ट ऑप्शन यही है गाड़ी में सोना पड़ेगा, सोएंगे। और फिलहाल अभी तक ना हमने तो कुछ खाया पिया भी नहीं है, भूख लगी हुई है, और गाँव में जाएंगे फिलहाल, गाँव में जाकर सबसे पहले खाना खाएंगे अगर मिला तो, वरना आज रात भूखे ही गुजारनी पड़ेगी, ठीक है। और ये देखिए सूरज छिप चुका है दोस्तों, 2-3 ढाबे पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद हमने फाइनली ये बड़ा ढाबा चूज किया है, शर्मा जी ढाबा, फेक है वैसे नाम तो, पर खाना देखते हैं कैसे देते हैं। तो बना दोस्तों ऑर्डर आ चुका है और अब खाना खा रहे हैं, फिर रात को स्टे यहीं करना है आज, है ना भाई, आगे तो जाने नहीं गया, देख लिया तुमने, सुबह जल्दी निकले हैं फिर स्पीति के लिए, चटनी निकालना पड़ेगा। हाँ।